the next we have is do you think marriage as a sacrament in losing its value in modern india modern india ke andar jo marriage as a sacred institution tha uski values lose kar raha hai ye cheez hame isme address karni hai hame kya lagta hai ki marriage as जो पहले इसकी sacramental values थी sacramental nature था क्या उसकी values lose हो रही है क्या अब ये सेकंड नहीं शादियां सेकंड उतनी नहीं मानी जा रही देखिए वेन जब ऐसा क्वेश्चन आता है हमारा आंसर क्या होता है ना ही यस yes और ना ही नो no. ठीक है ना बीच में बीच में मतलब कैसे डिप्लोमेटिक हम आंसर रखेंगे अपना ये हमारी पहली लाइन से ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए स्पेशली जो इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन डालेंगे वो इंपॉर्टेंट रहती है जो रिफ्लेक्ट करेगी कि मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ पर क्या है जब भी ऐसा कंट्राडिक्टरी, जब ऐसा हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है तो हम कहते हैं कि हाँ जो एज पहले मैरिज को व्यू किया जाता था एज सेक्रेमेंट वो कुछ न्यू चैलेंजेस फेसेस फेस कर रहा है ठीक है ना Uh, ऐसे शुरू में ही यस नो करके हम वैसे नहीं लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन हम कैसे लिख सकते हैं जिस तरह से लिख सकते हैं इन मॉडर्न टाइम्स द नोशन द नोशन ऑफ मैरिज एज सेक्रेड इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन या बेटर वी शुड बी राइडिंग इट कंप्लीटली सो दैट ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिले द नोशन ऑफ मैरिज एज ए सेक्रेड इंस्टीट्यूशन इज इन शिफ्टिंग Perspectives. फिर दूसरे हम लिख देंगे एज द सोसाइटी rapid रेपिड अर्बनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एंड शिफ्ट इन सोशल डायनामिक्स traditional व्यू ऑफ मैरिज एज ए सैक्रामेंट faces न्यू चैलेंजेस विच आर एज फॉलो देन हम उसके बाद लिखना शुरू करेंगे पहले क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है एंड देन उसके बाद लिखेंगे इसका काउंटर करेंगे कि कैसे स्टिल होल्ड करता है वैल्यू सेक्रामेंटल वैल्यू मैरिज होल्ड कर रही है आज भी बट चूंकि इतने वर्ड्स जो हमने लिखे इंट्रोडक्शन में 150 के लिए आप इतने तो बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे जिस तरह से यही अगर हमें 150 फिफ्टी वर्ड्स के लिए लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इन मॉडर्न टाइम्स फिर उसके बाद मैरिज करेंगे फिर लिखेंगे कामा फिर लिखेंगे इनकाउंटरिंग शिफ्टिंग प्रस्पेक्टिव फिर लिखेंगे कामा फिर उसके बाद लिखेंगे वेयर द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मैरिज एज सेक्रामेंट फेसेस न्यू चैलेंजेस विच आर एज फॉलोस इतना लिखेंगे और कंटिन्यू करेंगे ठीक है बट जब यही 250 पे अगर लिखना होगा तो हम इस तरह से अब इतना भी लिख सकते तो मैरिज कैसे सेक्रामेंटल वैल्यूज लूज कर रहा है पहले हम उनका मैंशन करेंगे एक तो जैसे इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है जहां पे पर्सनल फ्रीडम पे फोकस है ठीक है ना आजकल लोग जो है प्रायोरिटाइज करते हैं इंडिविजुअल हैप्पीनेस को कंपैटिबिलिटी को और पर्सनल गोल्स को अवर कर, अवर टू ट्रेडिशनल ऑफ दूसरा आप देखेंगे इमरजेंस ऑफ अल्टरनेटिव जैसा कि लियो इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट है रिलेशनशिप या फिर सिंगल पेरेंट फैमिली थ्रो अडोप्शन या दूसरे और मीन्स जो हाइलाइट करते हैं ब्रॉडर एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया थर्ड नेक्स्ट देखेंगे आप रिड्यूस्ड स्टिग्मा अराउंड डायवर्स एंड सेपरेशन अगर आपकी अनहैप्पी मैरिज है अनहैप्पी या अनहेल्दी मैरिज है ठीक है तो इंडिविजुअल जिसको एंडकार देते हैं ठीक है ना जिसमें पर्सनल वेलबींग एंड ऑटोनॉमी पे फोकस होता है फिर आप देखेंगे राइजिंग एस्पाइरेशन अमंग यूथ्स शादी से पहले लोग अपने कैरियर को अपने गोल्स पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से जो मैरिजेस है वो डिले हो रही थे या अरेंज मैरिजेस हो नहीं रही अगर चाहे तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव को आप कोट कर सकते हो जिसने हाईलाइट किया है कि मीडियम एज जो है पहली फर्स्ट मैरिज की अमंग 20 से उनचास साल के लोगों में वो दो साल से इंक्रीज हो गई है बाई टू यर्स जूरिंग लास्ट डिकेड फर्दर आप देखेंगे मैरिज को जो है केजुअल अप्रोच दिखने को मिलती है यह चीज़ इंडिकेट करता है कि मेजल मैरिज आप जो सेकेंड इंस्टीट्यूशन था वो कहीं ना कहीं वैल्यू अपनी लूज कर रहा है जैसे डेटिंग ऐप वगैरह जो है जिस तरह से टेंडर बम्बल वगैरह पेशादियाँ फिक्स हो रही है जो इंडिकेट करता है चेंज इन यूथ अप्रोच टूअर्ड्स रिलेशनशिप्स जो फॉस्टर करता है एक मोर केजुअल एचिट्यूड टूवर्ड्स डेटिंग एंड कमिटमेंट्स फर्दर आप देखेंगे मटीरियलिस्टिक सोसाइटी है एंड ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म और मटीरियलिज़म जो है फर्द जिसकी वजह से शादियाँ जो है डिले हो रही है नहीं बन रही डावरी वगैरह का आप मेंशन कर सकते हैं जहाँ कॉम्पिटिशन कंपेरिजन डिसटिस्फेक्शन जो है देखने को मिलती है जहाँ पे जो है इंडियंस के बहुत से देखे गए देखे जो हैप्पीनेस एंड स्टेटस जो है मनी के थ्रू जो है इनक्रीज करने के पीछे पड़े हुए हैं ये जो है जो मैरिज की एक्सपेक्टेशंस हैं जो डिमांड्स uh, वगैरह हैं उसको ये अफेक्ट कर देता है एंड इंक्रीजिंग डाइवर्स रेट ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया है तो डाइवर्स रेट की जो बढ़ती है ये भी इंडिकेट करता है कि सेक्रामेंटल वैल्यू जो मैरिज है लूज कर रही है बट हम इतने पे ही एंड नहीं करेंगे बाइस्ट हमारा नहीं होना चाहिए डिप्लोमेटिक आंसर होना चाहिए तो क्या होगा मैरिज इज स्टिल सेक्रामेंट सेक्रामेंट इन इंडियन सोसाइटी ड्यू टू फॉलोइंग रीजनस जब हम सोसाइटी के सोशल uh, इश्यूज पे क्वेश्चन लिखते हैं तो इसमें हम जो है इस तरह से हैंट ऐसे ही लिखते हैं ठीक है ना इसमें हमारे पास uh, जो है जहाँ पे लिबर्टी नहीं होती कि ज़्यादा हम जो है चीज़ों को डिटेल कर करके लिखें जस्ट की वर्ड्स आपको पता होने चाहिए वो मेंशन करिए एंड देन जो uh, है ताकि आप डाइवर्स uh, चीज़ें डाल पाएं इन लिमिटेड स्पेस एक तो आप जहाँ पे बेस ऑफ फैमिली मैरिज को एज एन इंस्टीट्यूशन देखा जाता है जिससे जो फैमिलीज हैं वो बनती हैं और सस्टेन होती हैं एंड स्टिल जो फैमिली है ये बिल्डिंग ब्लॉक है इंडियन कल्चर का जिसके अंदर जो मैरिज है ये सेंट्रल रोल प्ले कर रही है तो बेस फैमिली का क्या है मैरिज कंटिन्यूटी ऑफ लिनेज तो मैरिज को देखा जाता है एज मीन्स टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ वन फैमिली एंड ट्रेडिशंस जो री करता है इसकी सेक्रामेंटल वैल्यूज को फिर फर्दर आप देखेंगे रिलीजियस सिग्निफिकेंस रिचुअल्स और कस्टम जो मैरिज के साथ एसोसिएटेड है वो एम्फोसाइज करते हैं द रिचुअल स्परिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन दैट इज मैरिज एंड यहां पे आप तिरुमाला जो है आर स्टिल शॉर्ट आफ्टर डेस्टिनेशन फॉर वेडिंग्स जो शो करता है रिस्पेक्ट फॉर सेकर्ड सेरेमनीज फिर फर्दर आप देखेंगे कम्युनिटी का प्रेशर कम्युनिटी प्रेशर कंट्री के बहुत से पार्ट्स में जो है आपको कम्युनिटी असम्बलीज एंड पंचायत जो है एक वाइटल रोल प्ले करती है ताकि जो कन्वेंशनल पाथवे है ट्रेडिशनल मैरिज का उसको सोसाइटी रीएनस्टेट करे एंड एज ओल्ड जो प्रैक्टिस है मैरिज की इसको एडहेयर करे एंड सोशल प्रेशर की वजह से जो है आप देखेंगे शादी जो है हर कोई प्रेफर करता है करना क्योंकि सोशल प्रेशर होता है फर्दर आप जहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी मेंशन कर सकते हैं जैसा कि एग्जांपल के तौर पे कन्या विवाह योजना जो इस चीज को टेस्टिफाई करता है कि मैरिज जो है इसको एनकरेज किया जाना चाहिए एंड ये गवर्नमेंट का स्टैंड दिखाता है पॉलिसी लेवल पे जो फर्दर अजर्ट करता है गवर्नमेंट का रोल इन फॉस्टरिंग ट्रेडिशनल मैट्रिमोनियल नॉर्म्स अरेंज्ड मैरिज देखेंगे स्टिल जो है एग्जिस्ट कर रही है एंड इसी तरह से आप इकोनॉमिक कंसिडरेशन का भी मैंशन कर सकते हैं एंड कैसे करेंगे कि मैरिज In India is experiencing a dynamic interplay between tradition and modernity. It is not necessary, necessarily losing, losing its value, but rather adapting to the diverse needs and desires of rapidly changing society. इस तरह से करके आप कर देंगे या चाहे तो आप इस तरह से भी इंड कर सकते हैं कि दो मॉडर्निटी जो है जहाँ पे इसकी वजह से कुछ चैलेंजेस जो मैर mar, मैरिज uh, है वो फेस कर रही है बट स्टिल जो है ये सक्रमेंटल है ठीक है एंड स्पेशली इन रूरल एरियाज में रूरल एरियाज में तब भी आप भी सक्रमेंटल है तो वहां पर आप चाहें तो उसका आप स्पेसिफिकली कर सकते हैं दैट्स इट